प्रदेश के बरेली के किलड़िया थाना के केला डांडी में एक विवादित मस्जिद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दरअसल बताते चले, शुक्रवार के दिन एक विवादित मस्जिद थी जिसको लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने उस मस्जिद का विवाद किया और मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि मस्जिद की दीवार गिरा दी। उसके बाद दोनों पक्ष जो थे वो आमने सामने आए और जमकर हंगामा हुआ। वीडियो सामने ये भी आए कि दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। उसके बाद भाजपा के विधायक MP आर्या भी पहुंचे और उनका आरोप था कि जो मस्जिद की दीवार गिराई थी वो विवादित है और पुलिस के निरीक्षण यानी पुलिस के संरक्षण में दोबारा से वो दीवार बनाई जा रही है। उसके बाद विधायक धरना पर बैठ गए और मस्जिद की जो दीवार थी उसे रुकवा दिया गया। हालांकि उसी वक्त पुलिस बल और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और कई थानों की पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने PAC बल को भी तैनात करा दिया। अब जो विवादित स्थल है वहाँ उस पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, बरेली के SSP अनुराग आर्य और बरेली के DM लगातार उस घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें किस तरह से कार्रवाई की जाए उसको देख रहे हैं। अब पुलिस बल को वहाँ भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया है। किसी तरह का कोई तनाव ना हो इसके लिए पुलिस बल और CCTV कैमरे से निगरानी करी जा रही है। आज दिनांक 27/9/2024 को थाना किलड़िया के ग्राम केला डांडी में दोपहर को एक विवादित स्थल की दीवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तत्काल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 12 लोगों को 170 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया तथा पर्याप्त पुलिस बल लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। अग्निविधि कार्रवाई प्रचलित है। बारे में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की है। कितना ही नहीं, 12 लोगों के लिए पावन कम उनके लिए एक तरह से जमानत कम छोड़ दिया गया है। इसके मामले में तनावपूर्ण जैसी स्थिति ना हो इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी है और किसी चीज़ का कोई विवाद ना हो इसके लिए भी बरेली के आला अधिकारी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9।